हाय स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल. प्लीज कंफर्म, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल विजिबल टू एवरीवन? बच्चों आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है मेरी? प्लीज कंफर्म इट वंस. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग आलोक, गुड इवनिंग निशा. स्क्रीन इज फ्रोजन. ठीक है ठीक है, आई गॉट इट. कोई और दिक्कत है बच्चे? ऑल क्लियर. ओके ओके, थैंक यू आलोक. गुड इवनिंग अश्विनी. यस, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो. हेलो मानसी, हाउ आर यू? जस्ट गिव मी 1 और 2 मिनट्स, ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा. गुड इवनिंग मोनिका. स्क्रीन विजिबल नहीं है. आई एम गुड निशा, हाउ आर यू? स्क्रीन इज नॉट विजिबल. यस, दैट इज जस्ट फॉर अ डेफिनेटली. शीतल पक्का लगवाया जाएगा उसके लिए भी, डोंट वरी. ओके, वो भी हम बहुत जल्दी लगाएंगे. गुड इवनिंग श्रुतिका. निशा आई एम हियर ओनली, कुछ इशू है विद द सिस्टम. देयर सम इशू विद द सिस्टम. देयर सम इशू विद द सिस्टम. हाय राजस्थान जी के 1 2 3. गुड इवनिंग ममता. यस मानसी, इट्स बफरिंग सेशन, बफर हो रहा है. जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा. तब तक सारे ज्वाइन कर लो, जस्ट ज्वाइन द सेशन क्विकली. ये स्टूडेंट्स, हाँ इट्स बफरिंग फ्रॉम माई एंड. दिक्कत मेरे एंड से है बच्चे. जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, ये बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा. टीम इज वर्किंग ऑन इट. टीम काम कर रही है इस पे. आज हम बात करने वाले हैं. मैं नहीं रुक गई. आई एम नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुकी हूँ. गुड इवनिंग पूजा. निशा देखो, गुड इवनिंग कीर्ति. प्रॉमिस देखो, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एंजाइम्स यूज इन रेप्लीकेशन. कल परसों हम पढ़ने वाले हैं. आई हैव द होल सेशन प्लान फॉर यू ऑल, डोंट वरी. आप लोगों के लिए मैंने पूरा सेशन प्लान किया है. जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एंजाइम्स यूज्ड इन रेप्लिकेशन. कल हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन. फिर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन. फिर हम ट्रांसक्रिप्शन की तरफ बढ़ेंगे. सैटरडे को आप लोग के लिए क्वेश्चन रखा है, ठीक है? सैटरडे को आप लोग के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस रखा गया है. गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग कीर्ति, गुड इवनिंग प्राची, गुड इवनिंग वाई जे, गुड इवनिंग मोनिका. आई एम डूइंग गुड. और बच्चे, वीडियो इज़ नॉट वर्किंग, दैट इज़ सम इशू फ्रॉम माई एंड. डोंट वरी, टीम उस पर काम कर रही है. बहुत जल्दी ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा. इट विल बी रिजॉल्व वेरी सून. ठीक है, वीडियो पॉज हो गया. हाँ बच्चे, मेरी तरफ से गलती है, सो सॉरी फॉर दिस. मैं इतने दिनों के बाद में आज लाइव आई हूँ. स्टिल इट्स एन इशू फ्रॉम माई एंड. हेलो पूजा, हाउ आर यू?
हेलो एवरीवन, हाय आलोक। सो बच्चे, आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता मैंने प्लान करके रखा है। ओके, दिस होल वीक प्लान। क्या करें मानसी, बताओ। सिस्टम ही हैंग हो गया है। डोंट वरी, ऐसा इशू कभी कभी होता है, टेक्निकल एरर। बट आई होप ऐसा कुछ बीच सेशन में नहीं होगा हमारे। इट विल बी डन। स्क्रीन फिलहाल फ्रीज है। CR क्या होता है? वट इज CR? अटक गए। हाँ पूजा, बट डोंट वरी, हम आगे नहीं अटकेंगे। हम आगे नहीं अटकेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग के एग्ज़ाम है 26 मार्च को। मार्च में आपकी एग्ज़ाम है और हम वी विल स्टडी प्रॉपरली। सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। हु इज क्लास रिप्रेजेंटेटिव? सो हु इज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव? आलोक आप हो क्या? कौन है क्लास रिप्रेजेंटेटिव? ओ गॉड, यहाँ पे भी CR है। निशा, जस्ट जस्ट गिव मी सम टाइम। टीम इज वर्किंग, वो ट्राई कर रही है एक दो चीज़ें, और मुझे विश्वास है बहुत जल्दी चीज़ ठीक हो जाएगी। इट विल बी डन सून, इट विल बी डन सून। ओके, मोनिका CR है, ठीक है। ओके, तो आप लोग की क्लासरूम चल रही है यहाँ पे अच्छे से? ठीक है। गुड इवनिंग प्रज्ञा, गुड इवनिंग पूजा। दीपक सर क्लच में CR की जरूरत पड़ती है? ये क्या बात हुई? दीपक सर क्लच में CR की जरूरत पड़ती है? इतना क्या तंग करते हो सर को कि बच्चे आपस में एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं? ममता, एग्जाम मैपिंग सीरीज भी हम लगाएंगे बहुत जल्दी। फिलहाल हम लोग आप लोगों को कुछ सेट के मैपिंग सीरीज लगवा रहे हैं। जैसे ही थोड़ा और टाइम आएगा, अभी आपके एग्जाम को 1 महीने के करीब टाइम बचा है। सो वी विल बी प्लानिंग वेरी सून आप लोगों के लिए सीरीज। हम बहुत जल्दी प्लान करेंगे। निशा, क्राइटेरिया किस चीज़ का? क्राइटेरिया फॉर व्हाट एग्जैक्टली? बच्चे एक बार प्लीज लेक्चर को छोड़ के मत चले जाना। लाइक शेयर करके रख दो सेशन को। और हम पढ़ने वाले हैं मोल बायो। एज आई टोल्ड यू दैट आई हैव प्लान एवरीथिंग द होल वीक फॉर यू ऑल। एंजाइम्स पढ़ना है, पूरा प्रोसेस पढ़ना है, क्या होता है इनिशिएशन, इलोंगेशन, देन टर्मिनेशन किस तरीके से होता है। एंड सैटरडे को आप लोगों के लिए क्विज भी रखा जाएगा, जहाँ पे हम करवाने वाले हैं बहुत सारी प्रैक्टिस। परसेंटेज पासिंग मार्क्स, तो निशा वो उस साल पे डिपेंड करेगा बच्चे। दैट विल डिपेंड कि आपका एग्ज़ाम का टफ कितना है आया है, पेपर क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, ये सारी बातें। ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिकली कि इतना ही हर बार रहेगा। इट कैन चेंज, वो चेंज होता है टाइम टू टाइम। सो नो नीड टू वरी। देख लेना जो भी आपका उस साल का एग्ज़ाम लेवल पर डिपेंड करेगा कि वो पेपर कितना है। बच्चे एक सेकेंड म्यूट है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, नाउ विजिबल, अब हो गए सब चीजें ठीक। YJ डेफिनेटली हम सारा करेंगे, ठीक है। सारी चीज करी जाएगी आप लोगों के लिए। एग्जाम मैपिंग सीरीज लगाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशंस लगाने हैं, सब कुछ करवाया जाएगा। डोंट वरी, आप बस चैनल के साथ में कनेक्टेड रहो। गुड इवनिंग अपर्णा, अर्पणा, सॉरी 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 सॉरी, गुड इवनिंग अर्पणा। आप लोगों को सिर्फ सेशन में कनेक्टेड रहना है, डेली ज्वाइन करना है और सब हो जाएगा। चलो, अब एवरीथिंग इज फाइन, नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब देर नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ जी मैम, आ ही गए। चलिए तो बात कर ले कुछ इंपॉर्टेंट। बच्चे फिलहाल चल रहा है 50% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेस। हेलो, अब मेरी तरफ से ठीक है। अगर आपका कुछ डिवाइस का एरर है, सो प्लीज प्लीज उसको चेक लो। थैंक यू निशा, थैंक यू।
ओके चलिए, तो फिलहाल 50% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेस। तो अगर आपको कोई कोर्स परचेस करना है तो प्रोमो कोड आपको यूज करना है IFS50 एंड यू कैन अवेल द बिग डिस्काउंट। सो बिल्कुल देरी नहीं करनी है, अगर आपने अब तक नहीं किया है परचेस डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। थैंक यू पूजा, यस यू आर अ ट्रू सीआर। चलिए, और आप लोगों के लिए बुक्स भी है, स्टडी मटेरियल्स में भी मिल रहा है आपको बहुत ही अच्छा ऑफर। तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, सेट एग्जाम क्लियर करने में, तो दीज बुक्स आर फॉर यू। टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड की भी आपके लिए बुक है, प्लस एक पीवाई की उसकी बुक भी आप लोगों के लिए रखी गई है। सो यू कैन अवेल द यू कैन परचेज दिस बुक्स। प्रोमो कोड है आपका BOOK50 एंड बाय यूजिंग दैट प्रोमो कोड आप लोग बुक्स को भी परचेज करके इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो बच्चों, आपका जो एग्जाम होता है MCQs पैटर्न में होता है, तो बहुत जरूरी है यहाँ पे प्रैक्टिस करना। गुड इवनिंग पूजा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस करना। सो डेफिनेटली यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दीज गुड बुक्स। ये आप लोगों के लिए ही डिजाइन की गई है, आप लोग के एग्जाम के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही बुक को रखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद सम गुड मोटिवेशनल कोट। कुछ आज मंडे है तो मंडे वैसे ही किसी का मन नहीं करता है कुछ नया स्टार्ट करने का, हम वैसे ही होते हैं यार मंडे आ गया, एक हफ्ता आएगा छुट्टी के लिए। सो दिस इज अ कोट फॉर यू, डोंट फोकस ऑन द पेन, फोकस ऑन द प्रोग्रेस। ठीक है, आज अगर आपने ये बात सोच लिया कि भाई हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं, आगे क्या हो जाएगा, हमें कितना सारा पढ़ना है, कितना प्रॉब्लम है लाइफ में, ये भी करना है, जॉब भी करनी है, ये वो करना है, डोंट फोकस ऑन दैट। इंस्टेड आप इस चीज़ फोकस करो कि आप उस चीज़ से क्या क्या सीख रहे हो। जो भी आप आज कर रहे हो, जो भी आपके आज लाइफ है, मे बी यू आर अ स्टूडेंट, मे बी आप लोग जॉब के साथ साथ में पढ़ाई कर रहे हो, मे बी यू आर जस्ट कमिंग ऑन द यूट्यूब कि आप कुछ सुन सके चीज़ों को यहाँ पे आके। वेरी गुड इवनिंग शूटिंग स्टार। निशा क्या बोल रहे हो? ठीक है, सो ध्यान रखना है कि एवरी डे यू आर प्रोग्रेसिंग, आप डेली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ नई बात सीख रहे हो, एंड दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू ऑल। तो ध्यान रखना, कभी भी पेन पे फोकस मत करना कि भाई हमारी लाइफ में क्या क्या बुरा चल रहा है, जस्ट थिंक कि आपने उसमें से क्या क्या चीजें सीखी है, और जो आप लोगों ने सीखा है डेफिनेटली दैट इज ओनली यूजफुल फॉर यू ऑल। सो ऑन दैट नोट प्लीज रिमेंबर, फोकस कहाँ पे करना है, जस्ट फोकस ऑन द प्रोग्रेस कि आपने आज क्या सीखा, क्या आपके साथ में नया हुआ है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी थिंग जो आप उसमें से रेस कर सकते हो। सो दिस इज सेट बाय अ पर्सन ड्वेन जॉनसन। डू यू नो हु इज ड्वेन जॉनसन? किसी को पता है ये पर्सन कौन है? एनीवन? एनीवन? जो मूवी, जिसको मूवी का बहुत क्रेज होगा, दैट पर्सन माइट बी नोइंग दिस पर्सन। एनीवन हियर? ड्वेन जॉनसन? कोई नहीं है, कोई बात नहीं, सब पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं मेरे। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। डू रिमेम्बर द कोट, मे बी नॉट द पर्सन अगर आपको याद नहीं है, बट प्लीज रिमेम्बर दिस कोट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। आज हम बात करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं निशा, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। तो आज हम सारे एंजाइम्स पढ़ लेंगे, प्रोकैरियोट्स के भी और यूकैरियोट्स के भी, और फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अरे रे रे रे, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी नहीं बाबा, यह शूटिंग स्टार हॉलीवुड के है, द रॉक भाई कितनी मूवीज दी है। चलिए कोई बात नहीं, हम फोकस करेंगे इसको याद रख लेना, बहुत है, डोंट रिमेम्बर उनके बारे में, चलो बट ये याद रख लेना व्हाट आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। बच्चों देखो, पूरा हफ्ता हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स। आज के लेक्चर में आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ अबाउट द एंजाइम्स। दिस इज फॉर डे वन। डे टू मतलब कि ट्यूसडे को कल हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। देन ऑन द थर्ड डे हम बात करने वाले हैं अबाउट द यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। फोर्थ डे पे हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। फिफ्थ डे पे हम बात करने वाले हैं अबाउट यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। सिक्स्थ डे पे हम खेलने वाले हैं क्विज। सो आपको डेली जुड़ना है सेशंस में, यू हैव टू ज्वाइन द सेशंस डेली, ताकि आपको सब चीजें पता भी हो और उसको आप सैटरडे को अप्लाई भी कर सको। बिकॉज सैटरडे को जो क्विज होने वाला है वो इन टॉपिक्स पे बेस्ड रहने वाला है, तो आपकी प्रॉपर पढ़ाई करवाना, समझाना टॉपिक्स को, रिवाइज करवाना, क्वेश्चन सॉल्व करवाना, सारा हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत बफर हो रहा है क्या?
बीच में शायद एक दो बार हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड रुकना। सो डू ज्वाइन द सेशंस डेली ताकि आपकी सारी चीजें जो है वो कवर होती रहे, ठीक है। जितना भी हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस दीज सेशंस, प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स, ताकि आपको सारी बातें जो है वो हमेशा याद में रहे, और इन्हीं चीज़ों को याद करके हम लोगों को अप्लाई करना है, एंड दैट विल बी डूइंग ऑन द डे दैट इज सैटरडे, ठीक है। फिलहाल नहीं हो रहा है, फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं। अरुण, ऐसा कुछ स्पेसिफिक अभी नहीं है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक अभी नहीं है कितने मार्क्स वाले क्वालिफाई होंगे, बट दैट डिपेंड उस साल का पेपर का लेवल क्या था, कट ऑफ कितना आया था, उस सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर वेट फॉर इट। गुड इवनिंग संजय, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं, अब बच्चों अब पढ़ाई कर लो, अब सारे बच्चे मेरे साथ में सिर्फ पढ़ने वाले हैं, सारे एंजाइम्स को सबको हम रिकॉल करने वाले हैं। मुझे पता है आपको एंजाइम्स को ने पता है ऑलरेडी, बट प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। आपके जो भी क्वेरीज है अबाउट द टॉपिक विल बी एंटरटेन, बाकी क्वेश्चन हम लोग सेशन के एंड में लेते हैं, कट ऑफ हो गया, जो भी इश्यूज हो गए वो हम लोग बाद में लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए। सो अगर हम बात करते हैं अबाउट पॉलीमरेज, गुड इवनिंग पूजा, अगर हम बात करते हैं बच्चों अबाउट द फर्स्ट एंजाइम दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो, अगर हम बात करते हैं अबाउट द एंजाइम्स, अगर हम बात करते हैं अबाउट द एंजाइम्स, तो सबसे पहले आता है आपका एंजाइम दैट इज चलो स्टूडेंट्स, अभी बफर हो रहा है क्या? अभी अभी रिजॉल्व है, इज इट बफरिंग नाउ, प्लीज कंफर्म। अभी हमने सारा रिजॉल्व कर दिया है, वीडियो ऑडियो बफरिंग इंटरनेट सब हमने चेक कर लिया है, अभी कोई इशू नहीं आएगी। एक बार कंफर्म कर दो सारे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? परफेक्ट है अभी सभी? चलो ठीक है, रिजॉल्व कीजिए। डन निशा, डन डन डन, चलो ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार सारे जुड़ जाओ वापस से जो चले गए इधर उधर, प्लीज ज्वाइन अगेन, और अभी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन की, अगर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन की, तो ध्यान रखना है रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक डीएनए से दो डीएनए बनना, परफेक्ट गुड जॉब, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं अबाउट द सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, तो आपको पता है तीन प्रोसेस पढ़ी जाती है इसके अंदर। एक होता है हमारा रेप्लिकेशन, एक होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, और एक होता है ट्रांसलेशन। जिसमें से अगर हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की, तो इसमें क्या होता है, एक डीएनए से हमारे दो डीएनए के कॉपीज फॉर्म होते हैं। वी ऑल्सो नो दिस थिंग दैट डीएनए रेप्लिकेशन जो है इट इज सेमी कॉन्जर्वेटिव, दैट मीन्स वॉट, एक स्ट्रैंड होता है पैरेंटल, दूसरा स्ट्रैंड जो रहता है वो रहता है डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग युवराज। दो स्ट्रैंड होंगे, पैरेंटल स्ट्रैंड रहेगा, दूसरा स्ट्रैंड रहता है हमारा डॉटर स्ट्रैंड। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों इस प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रैंड इज पैरेंटल एंड द अदर स्ट्रैंड इज एक्चुअली अ डॉटर स्ट्रैंड। तो जो हमारा डॉटर स्ट्रैंड रहता है वहां पे चलती है हमारी ये एक्टिविटी ऑफ पॉलीमराइजेशन, एंड वहां पे जो एंजाइम यूज होता है सबसे पहले, दैट एंजाइम इज एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज। सो पॉलीमरेज एक हमारा बहुत मेजर एंजाइम रहता है, इसके बिना रेप्लिकेशन हमारा नहीं हो सकता है। दिस इज द मेजर एंजाइम यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, प्लस इसके कुछ फॉर्म्स है, लाइक पॉलीमरेज वन इज यूज फॉर अ डिफरेंट पर्पस। तो अलग अलग पॉलीमरेज अल्फा यूज किया जाएगा एज ए प्राइमेज, तो पॉलीमरेज का रोल होता तो है पॉलीमराइजेशन का, बट वो प्राइमर रिमूवल, गैप फिलिंग, ऐसे एक्टिविटीज भी परफॉर्म करती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना अबाउट द फर्स्ट एंजाइम दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। अब अगर हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, तो जैसे कि आपको मैंने बताया है यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर हमारे पास में एक स्ट्रैंड है,
आई हैव अ स्ट्रैंड और मुझे क्या करना है, मुझे इसकी दो कॉपीज बनानी है, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो एक स्ट्रैंड रहेगा दैट स्ट्रैंड विल एक्चुअली बी पैरेंटल, और जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड रहेगा, ये दूसरा स्ट्रैंड रहने वाला है हमारा एक डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। सो वी विल हैव वन ओल्ड स्ट्रैंड और एक हमारे पास रहने वाला है वन न्यू स्ट्रैंड। तो जब भी हम बात करते हैं बच्चों प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन के, तो इसमें क्या होता है, एक रहता है पैरेंटल स्ट्रैंड, दूसरा बनता है नया वाला हमारा डॉटर स्ट्रैंड, और वह नया स्ट्रैंड बनने के लिए लगता है हमको एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। सो द एंजाइम जिसका काम है यहाँ पे टू बेसिकली पॉलीमराइज द ग्रोइंग स्ट्रैंड। अब ये एग्जैक्टली काम क्या करता है, इसका एग्जैक्ट फंक्शन जो रहता है वो ये होता है बच्चों कि क्या करेगा, ये एक डीएनटीपी को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, वो एक डीएनटीपी को एक्सेप्ट करता है, दैट इज इट इज अ ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, डीऑक्सी ओके अरुण, ठीक है, पक्का पक्का। चलिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा होता है डीएनटीपी होता है, दैट मींस व्हाट, तो हमारा एक यहाँ पे फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट वाला फॉर्म, हमारा एक नाइट्रोजन बेस आता है, और जब यहाँ पे हमारा बेस आता है उस बेस में से पाइरोफॉस्फेट को हटाया जाएगा, मोनोफॉस्फेट को ऐड किया जाता है, ठीक है। क्या किया यहाँ पे हमने, तो हमारा एक ट्राइफॉस्फेट वाला फॉर्म एंटर किया है, उसमें से जो हमारा ये डाइफॉस्फेट रहेगा उसको हमने वहां से हटा दिया, और जो हमारा मोनोफॉस्फेट फॉर्म रहता है उसको इस तरीके से हम लाइन से ऐड करते हैं। तो आप ये चीज देख सकते हो कि आपका जो भी डीएनए है यहाँ पे आपके मोनोफॉस्फेट वाले फॉर्म्स प्रेजेंट है, चाहे ग्वानिन हो, थायमिन हो, साइटोसिन हो, जो भी आपके बेसिस रहते हैं सभी के मोनोफॉस्फेट फॉर्म जो है ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। तो हमारा पॉलीमरेज क्या करता है, पॉलीमरेज का काम ही होता है एक एनटीपी को एंटर करवाना, उसमें से पाइरोफॉस्फेट को रिलीज करवा देना, मोनोफॉस्फेट को वहां पे ऐड करवाना, और इस तरीके से वो लाइन से मोनोफॉस्फेट को ऐड करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, हमारा डीएनए जो है वो बनते रहता है। यस तो फॉस्फो पाइरोफॉस्फेट को यूज नहीं किया जाएगा, बट हम जब वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, जब हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होता है दैट इज अ फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड रहता है हमारा, आप लोग ने एक चीज सुनी होगी कि हमारा जो ये डीएनटीपी है ये होता है अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट। तो जो हमारा बॉन्ड है बिटवीन द अल्फा एंड बीटा फॉस्फेट और हमारा जो बॉन्ड है बिटवीन द बीटा एंड द गामा फॉस्फेट, ये दोनों बॉन्ड्स जो रहते हैं, ये जो हमारे दोनों बॉन्ड्स रहते हैं, ये दोनों होते हैं हमारे फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स, ठीक है। अल्फा बीटा के बीच का बॉन्ड और बीटा गामा के बीच का बॉन्ड, दीज आर द फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स, और ये बहुत ही हाई एनर्जी कंटेनिंग बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही हाई एनर्जी और वी कैन से एनर्जी रिच हमारे बॉन्ड्स रहते हैं। तो जब ये वाले बॉन्ड ब्रेक किए जाएंगे, व्हेन दीज बॉन्ड्स विल एक्चुअली बी ब्रोकन, तो बहुत सारा एनर्जी वहां से रिलीज होता है, एंड दैट एनर्जी इज एक्चुअली यूज इन दीज स्टेप्स, ठीक है। उस एनर्जी को यूज किया जाएगा फॉर मेकिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। यस मानसी, इट इज एनर्जी रिच बॉन्ड, आप लोग फिलहाल पढ़ रहे हो किसी सर से ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए सो यस पॉलीमरेज क्या करवा रहा है, तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो ये चीज करवा रहा है कि वो बना रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कहाँ कहाँ पे, बिटवीन द 5' फॉस्फेट ग्रुप ऑफ न्यू डीएनटीपी। बच्चों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये चीज को ध्यान रखना। यस यस आलोक, ठीक है, बहुत जरूरी चीज को ध्यान रखना, और वो चीज ये है कि अगर हमारा ये है पैरेंटल स्ट्रैंड, इफ वी हैव एन पैरेंटल स्ट्रैंड, और ये अगर हमारा है सपोज डॉटर स्ट्रैंड, तो ध्यान रखना है डॉटर स्ट्रैंड पे प्रेजेंट रहता है 3' OH ग्रुप। जो हमारा फॉस्फेट एग्जिस्ट करेगा वो फॉस्फेट वहां पे जो लास्ट फॉस्फेट रहता है उसका 3' OH N रहता है, और जो इनकमिंग फॉस्फेट रहेगा, जो हमारा नया फॉस्फेट यहाँ पे आ रहा है उस फॉस्फेट का रहता है हमारा ये 5' फॉस्फेट ग्रुप। तो प्लीज इसको ध्यान रखना आप लोग अच्छे से कि जो हमारा न्यू डीएनटीपी रहता है उसका 5' फॉस्फेट N, और जो हमारा एग्जिस्टिंग रहेगा, जो हमारा ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका ये 3' OH ग्रुप, इनके बीच बनता है हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
ओके मानसी बढ़िया ठीक है। तो दो बॉन्ड ध्यान रखने हैं हमको, यहाँ दो चीजें ध्यान रखनी है हमको, क्या हो रहा है पॉलीमरेज है। पॉलीमरेज का काम क्या होता है, टू परफॉर्म पॉलीमराइजेशन। डायरेक्शन ध्यान रख लो आप लोग, दैट इज 5-2-3 पॉलीमराइजेशन ठीक है। ये करवाता है 5-2-3 पॉलीमराइजेशन, बिकॉज क्या हो रहा है 3 एंड पे ही होता है हमारे नए फॉस्फेट ग्रुप्स का एडिशन ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ट्राई फॉस्फेट वाले बेस को एक्सेप्ट करता है, इट विल एक्सेप्ट डीएनटीपी, उसमें से पायरोफॉस्फेट को हटा देगा, मोनोफॉस्फेट फॉर्म इज एडेड इन द न्यू स्ट्रैंड। जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड रहता है वहां पे प्रेजेंट रहता है 3-OH ग्रुप, और जो हमारा नया यहाँ पे फॉस्फेट, जो भी हमारा नया बेस आएगा उस बेस का होता है, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी, जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसका है 3-OH एंड, और जो बाहर से आ रहा है उसका रहता है यहाँ पे 5-फॉस्फेट ग्रुप। उनके बीच बनाया जाता है हमारा एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये काम होता है डीएनए पॉलीमरेज का, टू परफॉर्म पॉलीमराइजेशन। कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर, मैं पुणे से पढ़ा रही हूँ, मैं पुणे में हूँ फिलहाल। क्या क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द 5 DNA पॉलीमरेज जो पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। देखो बच्चों, आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं, कौन सा पॉलीमर का क्या फंक्शन है ध्यान में रखना है, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। मुझे याद है जब मेरी एग्जाम हुई थी सीएसआई नेट की, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, दे गेव अस 4 डायग्राम और पूछा गया था कि इन 4 में से कौन सा डायग्राम, और वी कैन से आउट ऑफ दीज 4 विच डीएनए विल परफॉर्म रेप्लिकेशन इन विट्रो ठीक है, विल परफॉर्म इन विट्रो। तो उसका लॉजिक सिर्फ इतना था कि 4 DNA में से सिर्फ एक ही डीएनए था जहां पे फ्री 3-OH एंड प्रेजेंट था। तो आपको लॉजिक से याद रखने की, जहां पे फ्री 3-OH एंड मिल जाएगा वहां पे पॉलीमरेज परफॉर्म कर सकता है पॉलीमराइजेशन, अगर फ्री 3-OH एंड नहीं है तो उस केस में पॉलीमराइजेशन भी नहीं हो सकता है ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 की, तो पहली बात तो ये हमारा सबसे पहला एंजाइम है जिसको हम लोग ने प्यूरिफाई किया था। माना ये जाता था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इट वॉज अज्यूम दैट दिस एंजाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, बट जब हमने स्टडीज किया तो पता चला कि ये नहीं होता है एक्चुअली, पॉलीमरेज 3 होता है हमारा मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम इन केस ऑफ अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 की, इसके पास में होती है पहली एक्टिविटी इसकी है 5' इलॉन्गेशन या फिर पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी ठीक है। अभी नहीं हो रहा है बफरिंग, एक बार कंफर्म कर दो सारे ठीक है। एक होता है इनका 3-5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ठीक है। ये जो एक्टिविटी होती है बच्चों हमारी 3-5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी इज बेसिकली फॉर द प्रूफ रीडिंग ठीक है। ये होती है हमारी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, दिस इज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो पॉलीमरेज 1 जो रहता है ठीक है, जो पॉलीमरेज 1 रहता है, ये पॉलीमरेज 1 के पास में होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, नहीं, अभी ठीक है, नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन ओके। तो इनके पास में होती है बच्चों 5-2-3 पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, देन दे हैव 3-5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो एक्चुअल में होती है उनकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्लस इनके पास में एक और एक्टिविटी होती है दैट इज 5-2-3 एक्सोन्यूक्लियस, एंड ये होती है इनकी प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी ठीक है। ये होता है इनका प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी ठीक है। तो इनके पास में होते हैं बच्चों 3 मेजर एक्टिविटीज होते हैं ठीक है, दे हैव 3 मेजर एक्टिविटीज। लाइक आई टोल्ड यू, अगर ये हमारा पैरेंटल स्ट्रैंड है और ये हमारा डॉटर स्ट्रैंड है, तो ये क्या हो रहा है, ये रहता है 5' एंड ये होता है 3' एंड।
तो पहला हमने क्या देखा है, पहला हमने ये देखा है कि 5-2-3 पॉलीमराइजेशन, अगर कभी गलती हो जाए पॉलीमरेज से, ठीक है, अगर कभी गलती हो जाए पॉलीमरेज से तो क्या होता है, हमारा पॉलीमरेज रिवर्स में काम करता है, दैट इज 3-2-5 एक्टिविटी शो करता है वो, दैट इज फॉर द प्रूफ रीडिंग मार्क, गलती होगी तो वापस से वो आके गलती को ठीक भी कर देगा। उसके अलावा जब उसको प्राइमर को रिमूव करना होता है तब वो चलाता है अपनी 5-2-3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। सो दीज आर द 3 एक्टिविटीज परफॉर्म बाय डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, ये 3 एक्टिविटी होती है जो पॉलीमरेज 1 हमारा परफॉर्म करता है। इज दिस क्लियर टू ऑल, प्लीज कंफर्म इट वंस। सो इसका जो मेन काम है, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इनका जो मेन काम होता है वो होता है प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग। हमारा जो पॉलीमरेज 1 है इसका जो मेन काम होता है दैट इज प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग। Is it fine now? आज थोड़ा सा बेयर कर लो बच्चे, थोड़ा सा आज, कल से I'll make sure कि शुरुआत में ऐसी कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है? चलो, तो मुझे पता पॉलीमरेज 1 क्लियर है सभी को। पॉलीमरेज 1 हमने से पॉलीमरेज 1 पढ़ा है जिसका मेन काम होता है, जिसका मेन काम होता है टू परफॉर्म द प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग फंक्शन। आपके हॉटस्पॉट से कुछ ना होना है, ठीक है? चलिए, पहला क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं अबाउट डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड 3। लेट्स टॉक अबाउट डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड 3। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, आप लोग रुके रहे सेशन में, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये है मेरे वो 20 जेन्युइन बच्चे जिनका सेट निकलने वाला है, मेरे स्पेशल ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए, ब्लेसिंग्स एंड लव, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, अगर हम बात करते हैं अबाउट डीएनए पॉलीमरेज 2, तो ध्यान रखना है ये हमारा एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन रहती है, इसके पास में भी होता है पॉलीमरेज एक्टिविटी एज वेल एज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, बट ये हमारा कोई स्पेशल काम परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, ये हमारा कोई स्पेशल काम परफॉर्म नहीं करेगा। अगर हम बात करते हैं अबाउट डीएनए पॉलीमरेज 3, तो जो पॉलीमरेज 3 होता है ये हमारा एक होलो एंजाइम है, दिस इज अ होलो एंजाइम। वॉट इज अ होलो एंजाइम, दैट मीन्स वॉट, एक हमारा ऐसा एंजाइम जहाँ पे मल्टीपल सब यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पे हमारे मल्टीपल सब यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं। मोस्ट वेलकम एवरीवन, सी इफ यू आर कंसिस्टेंटली वर्किंग फ्रॉम योर साइड, ट्रस्ट मी, मैं मेरी तरफ से डबल मेहनत करूंगी, ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी, लेक्चर डेली अटेंड करो। आज जो पार्ट रह जाएगा हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी, कल कंटिन्यू करेंगे उस पार्ट को। सैटरडे तक आपका रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन विद क्वेश्चंस करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, कैसे करवाना वो मैं देखूंगी, ठीक है। जस्ट हैव टू अटेंड द सेशन डेली 1 आवर, चुपचाप बैठो, कुछ मत लिखो, बैठ के सुनो समझो, उसके बाद आराम से आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अब जो पॉलीमरेज 3 रहता है ये होता है हमारा मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम, दिस इज द मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम, ये एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर परफॉर्मिंग ऑल द रेप्लिकेशन इन केस ऑफ योर प्रोकैरियोट्स। ये क्या करवाता है, तो ये डीएनए को एक्सट्रैक्ट करवाता है कहाँ से, तो प्राइमर से। देखो बच्चों,
हमारा जो पॉलीमरेज थ्री है ना, ये अपने आप से ही पेप्टाइड्स को या फिर डीएनटीपीस को ऐड करना स्टार्ट नहीं कर सकता है, इट रिक्वायर्स अ प्राइमर। ठीक है, उसको जरूरत पड़ती है एक प्राइमर की, और जब वहां पे प्राइमर आके ऐड हो जाएगा उसके बाद में वहां पे बहुत सारे एनटीपीज ऐड हो सकते हैं बिना पॉलीमरेज के डिसोसिएट हुए। तो उसके बाद में बहुत सारे पॉली आपके जो भी डीएनटीपीज है उसके बाद में लाइन से ऐड हो सकते हैं। तो पॉलीमरेज थ्री में ध्यान रखना है, ये हमारा होता है मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम, दिस इज अवर मेन एंजाइम, ये हमारा होता है मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम। प्रतिमा क्लास स्टार्ट होता है 6 बजे, वी स्टार्ट एट 6 o'clock। अगर हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 की, ये करवाते हैं हमारा ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस। अब ये क्या होता है ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस, तो ध्यान रखना है कभी कभी होता ये है कि हमारे डीएनए में आ जाता है एरर। ठीक है, सपोज हमारा ये डीएनए है, यहाँ पे आ चुका है हमारा एक एरर। एरर आया मतलब क्या हुआ है, हो सकता है इस तरीके से यहाँ पे थायमिन के डाइमर्स जो है ये फॉर्म हो चुके हैं, इस तरीके से हमारे यहाँ पे थायमिन के डाइमर्स जो है ये फॉर्म हो चुके हैं। जहां पे फॉर्म होते हैं हमारे ये थायमिन के डाइमर्स, तो क्या हो जाएगा, इस केस में आता है हमारा एक रिपेयर सिस्टम, एंड दैट रिपेयर सिस्टम इज एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। यहाँ पे आता है एक्चुअल में हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, और जहां पे आता है हमारा ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, तब क्या होगा बच्चों, तो तब ये होगा इस डैमेज को भी ठीक करवा जाएगा, दिस डैमेज विल नाउ बी क्योर्ड। पर कभी कभी अगर एक्सट्रीम डैमेज हो जाए तो उस केस में ये रिपेयर सिस्टम भी काम नहीं कर पाते, बिकॉज इतना डैमेज हो चुका है कि सारे एंजाइम्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं। उस केस में हमारी बॉडी में काम करता है एक और सिस्टम जिसको हम बोलते हैं एसओएस रिपेयर, दैट इज सेव आवर सोल रिपेयर। और जहां पे हमारा आएगा सेव आवर सोल रिपेयर, स्क्रीन फ्रीज, यस आई नो आई नो। मेरी आवाज आ रही है, मैं तब तक बात करती हूँ, टीम आके देख लेगी ये चीज। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5, इनका फंक्शन होता है टू परफॉर्म द ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब भी बॉडी में एक्सट्रीम डैमेज हो जाएगा, व्हेन देयर इज एक्सट्रीम काइंड ऑफ डैमेज सीन, तो उस एक्सट्रीम डैमेज में हमारे सारे रिपेयर सिस्टम्स अभी काम नहीं कर पाते हैं, एंड इफ द रिपेयर सिस्टम्स आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, इन दैट केस बॉडी में काम करता है फिर हमारा एसओएस रिपेयर, बॉडी में फिर काम करता है हमारा एसओएस रिपेयर। और जहां पे बॉडी में काम करेगा फिर हमारा एसओएस रिपेयर, तो वहां पे आते हैं हमारे, संजय मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा मत करो यार। ठीक है, हेलो, ओके, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। अब तो आवाज भी फ्रीज हो रही है। ठीक है, जब तक चल रहा है चलते हैं। नाउ वर्किंग, ओके ओके, यू गाइस आर ऑसम। ठीक है, चलो, थोड़ा बफर हो रहा है, थोड़ा बफर हो रहा है, होगा होगा, ठीक होगा, होना ही पड़ेगा इसको।
चलिए, तो अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5, इनका काम होता है टू परफॉर्म ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस। दैट मींस व्हाट, कि जब बॉडी में होता है बच्चों एक्सट्रीम लेवल का डैमेज जिसको हमारा नहीं कर पाता है, उस केस में फिर हम लोग क्या करते हैं, तो उस डैमेज को स्किप करा देते हैं। उस केस में जो हमारा पॉलीमरेज आएगा दैट विल स्किप दैट पार्ट एंड वो कंटिन्यू करेगा हमारा रेप्लिकेशन। चलो नाउ इज इट क्लियर, इज इट क्लियर नाउ। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों पॉलीमरेज 4 और 5 की, तो इसमें क्या होता है, ये हमारे वो एंजाइम्स हैं जो यूज किए जाते हैं इन द सेव आर सोल रिपेयर। और ये रिपेयर पाथवे कब चलेगा, जब बॉडी में कुछ नहीं काम करता है तब बॉडी में चलता है हमारा ये वाला रिपेयर सिस्टम। नहीं, लेट्स ट्राई, अभी ठीक है, वी हैव डन द फाइनल रीस्टार्ट नाउ। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इट्स फाइन नाउ। ओके चलिए, तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पॉलीमरेज कौन कौन से देखे, पॉलीमरेज हमने देखा था 1 जो यूज किया जाता है फॉर द प्राइमर रिमूवल, दिस इज यूज फॉर प्राइमर रिमूवल एंड यूज किया जाता है फॉर गैप फिलिंग। ठीक है, और अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज 3 की, तो ये होता है हमारा मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम, दिस इज मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पॉलीमरेज 4 और 5 की, अगर हम बात करते हैं बट 4 और 5 यूज किया जाता है इन द ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस, मतलब क्या, तो ये काम होता है कहां पे, दिस इज यूज्ड इन द एसओएस रिपेयर। जब कुछ रिपेयर सिस्टम काम नहीं करता है तब काम करता है हमारा ये एसओएस रिपेयर। एंड हमने देखा था पॉलीमरेज 2 के बारे में, तो इसके बारे में कोई मेजर ऐसा वर्क नहीं है इसका, बट यस इट कैन ऑल्सो परफॉर्म द पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। ठीक है, चलिए यहां तक की बातें क्लियर हो गई है। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द फर्स्ट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। अभी हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना पॉलीमरेज इन द यूकैरियोट्स। अभी हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना अबाउट द पॉलीमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, प्लीज इनके फंक्शन ध्यान में रखना। सेट की एग्जाम में जेके सेट हुआ था कुछ टाइम पहले, जेके सेट में ये मैच द पेयर्स की तरह आया था डायरेक्टली, दीज आर डायरेक्टली आस्क एज मैच द पेयर्स एज वेल इन द एग्जाम। तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, मैं सेशन के एंड में आपको सारे एग्जाम्स रिवाइज भी करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों अबाउट द पॉलीमरेज यूज इन द यूकैरियोट्स, तो क्या हो रहा है, अब नहीं पॉज हो रहा कुछ। चलो अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की, तो ये हमारा वो पॉलीमरेज होता है जो एक्चुअल में करवाता है। ठीक है, ये हमारा वो एंजाइम है वो जो यूज किया जाता है फॉर द प्राइमर सिंथेसिस। तो आप बोल सकते हो कि ये हमारा होता है प्राइमेज। ठीक है, ये हमारा वो एंजाइम है जो एक्चुअल में होता है एक प्राइमेज। फिर अगर हम बात करते हैं बच्चों अबाउट अदर एंजाइम्स, अगर हम बात करते हैं अबाउट द अदर एंजाइम्स लाइक देयर इज बीटा, बीटा का काम होता है कि ये यूज होता है इन द रिपेयर पाथवे, स्पेसिफिकली इन द बेस एक्सीजन रिपेयर। जहां पे हमारा पाथवे परफॉर्म होता है बेस एक्सीजन रिपेयर, वहां पे, हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ले लो स्क्रीनशॉट। जहां पे परफॉर्म होता है हमारा बेस एक्सीजन रिपेयर वहां पे आता है डीएनए पॉलीमरेज बीटा। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में एक और स्क्रीनशॉट दूंगी आपको, मजा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में गामा। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो गामा मतलब एम, कुछ अल्फाबेट आ रहा है वहां पे, एंड एम का मतलब कि ये हमारा वो पॉलीमरेज है दैट इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन। ठीक है शीला, आई एम नॉट श्योर बच्चे, आप इस चैनल पे एक बार देख लेना, ऊपर नीचे आपको दिख जाएगा मैथ्स का लेक्चर, जस्ट जस्ट लुक इन दिस चैनल ओनली। ठीक है चलो, तो अगर हम बात करते हैं गामा की, तो ये वो होता है जो यूज किया जाता है इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, उसके बाद में दो हमारे होते हैं यहाँ पे मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम्स,
दीज आर द मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है, ठीक है। वी हैव डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। आप ये याद रख सकते हो दैट एप्सिलॉन मतलब कि ई, ई आप वर्ड याद सकते हो लीडिंग स्ट्रैंड। तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन होता है ये हमारा वो एंजाइम है दैट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड। ये हमारे सिंथेसिस में यूज किया जाता है इन द लीडिंग स्ट्रैंड। और हमारा जो भी डेल्टा है दैट इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं बच्चों सारे डीएनए पॉलीमरेज विच आर यूज्ड इन द प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अल्फा सबसे पहला याद रखो, सबसे पहले यूज किया जाता है उसको हमारे रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। दैट मींस व्हाट, सबसे पहले वो आके बनाएगा हमारे प्राइमेज को, उसके बाद में चलता है फिर आपका पूरा प्रोसेस। सो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का काम होता है कि प्राइमर का सिंथेसिस करवाना। बीटा का काम होता है बीटा बी बेस ऑक्सीजन रिपेयर, यू कैन रिमेम्बर, तो दैट इज यूज्ड इन द रिपेयर पाथवे। डीएनए पॉलीमरेज गामा मा एम एम दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, सो रिमेंबर इट लाइक दैट कि उसको यूज किया जाता है स्पेसिफिकली फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन। बिकॉज वी ऑल नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, दैट मींस व्हाट, वो अपना सेल्फ परफॉर्म करता है रेप्लिकेशन एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शन। देन वी हैव टू मोर पॉलीमरेजेस, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है। दोनों यूज किए जाते हैं फॉर द इलोंगेशन पार्ट, बोथ आर यूज फॉर द इलोंगेशन पार्ट। एप्सिलॉन इज यूज इलोंगेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड में, और जो डेल्टा है उसको यूज किया जाता है इन द इलोंगेशन ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये एक आपको लिस्ट ध्यान में रखनी है, कौन सा पॉलीमरेज है, क्या फंक्शन है, बोथ फॉर प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, बिकॉज यहाँ से आपको मैच द पेयर्स भी आते हैं सेट के एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और पॉलीमरेज होते हैं लाइक देयर इज ईटा है, जीटा है, आयोटा है, कापा है, लैम्बडा है, ये सारा यूज किया जाता है बच्चों इन द ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस। मतलब क्या, तो यस दीज आर ऑल्सो यूज इन द एसओएस रिपेयर, यूज किए जाते हैं इन द एसओएस रिपेयर। जैसे प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेज 4 एंड 5 था, वैसे यहाँ पे ये सारे जो डीएनए पॉलीमरेज है ये सारे यूज किए जाते हैं इन द एसओएस रिपेयर सिस्टम, ठीक है। ओके, ये गलत है, मेरी बात सही है, ये इस तरफ का गलत, हम इसको चेंज कर देते हैं। रुक जा, लिसन टू मी, वेट अ सेकेंड, ठीक है। ये काम करते हैं, रुको। एप्सिलॉन इज यूज्ड फॉर लीडिंग, और जो ये है ये क्या करवाता है, इट परफॉर्म्स पॉलीमराइजेशन, इट परफॉर्म्स पॉलीमराइजेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, पॉलीमराइजेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। प्लीज मेरी बात को ध्यान में रखना, ये इमेज शायद कुछ गड़बड़ है, ये स्ट्राइक को क्या हो रहा है। और जो हमारा डेल्टा होता है दैट इज यूज्ड एज द लैगिंग, तो ये सिंथेसाइज करवाता है दरअसल में आपके लैगिंग स्ट्रैंड को। कुछ इमेज में गड़बड़ है, डोंट वरी, ये पार्ट को मत ध्यान में रखना, ठीक है। ये तो हम याद रख सकते हैं, दिस इज ट्रू, ठीक है। सो सॉरी फॉर दिस, कोई दिक्कत नहीं है। बाहुबली, हाँ बाहुबली 1 में है ना वो, यस। चलो, ये फैमिली है, ईटा है, जीटा है, आयोटा है, लैम्बडा है, कापा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको मैंने बताया है वो बात सही है, ये बात में थोड़ी सी गड़बड़ है, जो मैंने आपको बताया दैट इज ट्रू, ठीक है। चलो, तो ये आपके सारे एंजाइम्स होते हैं,
मैं हट गई बाबा. टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली. दीज आर द एंजाइम्स विच आर यूज इन द यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन. ठीक है, ये हमारे वो एंजाइम्स को यूज किया जाता है तो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीएनए लाइगेज. ये बहुत अच्छा एंजाइम है, ये लोगों को जोड़ता है. ठीक है, ये हमारे डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है. सो देखो, आप याद रख सकते हो वैसे लाइगेज का काम क्या होता है. ये सील करता है हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स को. ठीक है, अगर हमारा डीएनए है वहां पे अगर सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगा है तो उनको ज्वाइन करवाता है हमारा एंजाइम डीएनए लाइगेज. ये क्या करता है, आपको पता है डीएनए में तीन टाइप के बॉन्ड्स होते हैं. कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? अगर हमारा एक ए है सामने आएगा टी, जी है सामने आएगा सी, ए सामने टी, टी आगे ए. अगर हमारा इस तरीके से डीएनए है तो क्या क्या है वहां पे? हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है. वी हैव अ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड यहाँ पाया जाता है हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. वी हैव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो दो एडजेसेंट बेस को कनेक्ट करता है. हमारे पास में होता है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड जो हमारे एडजेसेंट बेसिस को कनेक्ट करता है, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो ऑपोजिट बेसिस को कनेक्ट करता है ना. ये हमारे ऑपोजिट बेसिस को कनेक्ट करता है. ठीक है, तो लाइगेज का काम क्या होता है, हमारे एडजेसेंट बेसिस को कनेक्ट करवाना. लाइगेज का काम होता है हमारे एडजेसेंट बेसिस को कनेक्ट करवाना. गुड इवनिंग श्वेता. राइट, सो वो क्या करवाएगा, दरअसल में इट विल एक्चुअली फॉर्म अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. कहाँ कहाँ पे? बिटवीन द 3-OH एंड द 5-मोनोफॉस्फेट ग्रुप. ये क्या करवाता है, तो जो हमारा लास्ट बॉन्ड बचा रहेगा उस बॉन्ड को बनाने का काम करता है हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम. तो जब भी हमारा प्राइमर रिमूव होता है, गैप फिल होता है, तो जहां जहां पे गैप्स बनते हैं वहां वहां पे आता है हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम. सो इन द लैगिंग स्ट्रैंड ये देखा जाता है मल्टीपल टाइम्स. उसके अलावा इन डिफरेंट डिफरेंट रिपेयर पाथवेज ऑल्सो इसको हम लोग यूज करते हैं. अलग अलग रिपेयर पाथवेज में भी यूज किया जाता है हमारे डीएनए लाइगेज एंजाइम को. तो लाइगेज में आप लोग ध्यान रखोगे दो बात, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट क्या है. बनाते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 3-OH एंड 5-फॉस्फेट ग्रुप, उनको सील करवा रहा है. ये बात ध्यान में रखनी है. उसके बाद में ध्यान में रखना कि लाइगेज जो रहता है ये सेम होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स. तो भाई डिफरेंस क्या है, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, क्या इसमें नई बात है? तो ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करते हैं आपके प्रोकैरियोट्स की, तो वहां पे एएमपी का डोनर अलग रहता है, और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की तो वहां पे एएमपी का डोनर अलग रहता है. मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, रुको. देखो, कैन यू सी दिस डायग्राम? यस दक्ष, इट यूजेस एटीपी. इट एक्चुअली वांट्स एएमपी. हमारा जो लाइगेज रहता है ना, लाइगेज की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है एएमपी की. अब वो एएमपी दो जगह से ले सकता है, या तो वो एटीपी से ले सकता है या तो वो एनएडी वहां से भी ले सकता है. इन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज वो हमारा चेंज होगा, दैट चेंज वी विल सी लेटर ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो एएमपी का रोल क्या है. देखो बच्चों, ये है हमारा एंजाइम लाइगेज. ओके, दिस इज द एंजाइम लाइगेज, और ये है हमारा बेस. वो है हमारा बेस. नाउ वी कैन, बेस है मतलब कि ये है हमारा एक एएमपी यूनिट है. वो है हमारा एक एएमपी यूनिट. अभी देखो यहाँ पे आपका एक डीएनए का स्ट्रेच दिख रहा है, दिस इज द 5-फॉस्फेट एंड, और ये है हमारा 3-OH एंड. जो हमारा स्ट्रैंड है जहां पे हमको एक जगह को सील करना है, वो सील के दो एंड्स है. दिस इज अ 3-OH एंड दिस इज अ 5-फॉस्फेट एंड. ठीक है, और यहाँ पे आया है हमारा लाइगेज एंजाइम. लाइगेज एंजाइम को काम करने के लिए जरूरत पड़ता है एक एएमपी मॉलिक्यूल का. आप लोग बोलते हैं ना बहुत बार फॉस्फेट के एडिशन से एंजाइम एक्टिवेट होता है, हटाने से इनएक्टिवेट होता है, तो वैसे लाइगेज को काम करने के लिए जरूरत पड़ती है एक एएमपी मॉलिक्यूल की. सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस लाइगेज के ऊपर एक एएमपी ग्रुप आके पहले तो ऐड हो जाएगा. उसके बाद में दिस एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम अभी जाके अटैच होता है हमारे इस तरीके से
डीएनए को जहां पे इसको करवानी है गैप की सीलिंग। उसके बाद क्या होगा, तो ध्यान से देखना, जो हमारा ये फॉस्फेट है, जो हमारा 5' फॉस्फेट है, वो क्या करता है, वो यहाँ पे करता है अटैक, वो यहाँ पे करता है अटैक और उसको अपने ऊपर ले लेगा लाइक दिस। ठीक है, उसने क्या किया, उसने इस फॉस्फेट के ऊपर अटैक किया और उसको सेपरेट करके उस तरीके से वो अटैच कर लेगा। सो ये हमारा 3' OH एंड है, ये हमारा 5' फॉस्फेट एंड है। उसके बाद क्या होगा, अभी उसके बाद में जो हमारा ये वाला OH रहता है वो यहाँ पे करता है एक अटैक परफॉर्म। नाउ दिस OH विल एक्चुअली परफॉर्म एन अटैक टू दैट पर्टिकुलर फॉस्फेट ग्रुप। तब देख सकते हैं OH क्या करेगा, भी यहाँ पे एक अटैक परफॉर्म करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारा ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। तो पहले क्या था, पहले सीक्वेंस लाइक पहले सिचुएशन ये था कि यहाँ पे बॉन्ड नहीं था, इनिशियली देयर वाज नो बॉन्ड बिटवीन द 3' OH एंड द 5' फॉस्फेट। वहां पे आया हमारा लाइगेज और लाइगेज के पास में होता है एक एएमपी ग्रुप। ठीक है, जब वहां पे लाइगेज आता है अपने एएमपी ग्रुप के साथ में, तो पहला स्टेप क्या होता है, 5' फॉस्फेट अटैक करता है उस एएमपी पे और वहां पे इस तरीके से 2 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड होते हैं। उसके बाद में ये OH करता है इस फॉस्फेट पे एक अटैक, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे हमारा ये बॉन्ड अभी यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, एएमपी डिसोसिएट हो जाएगा, लाइगेज भी हमारा डिसोसिएट हो जाएगा। इस तरीके से काम करता है हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम, इस तरीके से काम करता है हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम। अभी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वो एएमपी ले रहा है, जो वो एएमपी ले रहा है, वो एएमपी का सोर्स आपका एनएडी भी हो सकता है या फिर एटीपी भी हो सकता है। जो भी हमारा ये सोर्स है एएमपी का, दैट कैन आइदर बी एटीपी और इट कैन आइदर बी एनएडी। मुझे आप बस इतना बता दो कि प्रोकैरियोट्स में कौन होता है, यूकैरियोट्स में कौन होता है, इतना बता दो। प्रोकैरियोट्स में जो भी आपका एएमपी है उसका सोर्स कौन है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, कहां पे एटीपी है, कहां पे एनएडी, सिर्फ इतनी सी बात मुझे बता दो जल्दी। जस्ट टेल मी दिस वन थिंग, जल्दी से, प्रोकैरियोट्स में क्या है, यूकैरियोट्स में क्या है? एटीपी कहाँ यूज होता है? यस शूटिंग स्टार, परफेक्ट। नो आइडिया, ओके पूजा, आई विल टेल यू, परफेक्ट शूटिंग स्टार, बिल्कुल सही बात है। देखो हमारे अंदर में एटीपी होता है सोर्स फॉर एनएडी, प्रोकैरियोट्स के अंदर एनएडी सोर्स होता है फॉर द एएमपी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द एंजाइम डीएनए लाइगेज, लाइगेज इज यूज फॉर सीलिंग द सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स। ठीक है, लाइगेज जो रहता है हमारा वो काम कैसे करता है, तो वो काम करता है कि पहले लाइगेज के ऊपर ऐड होता है एएमपी मॉलिक्यूल और फिर वो जाता है हमारे उस डीएनए के टूटे हुए स्ट्रैंड के ऊपर, और काम कैसे करता है वो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इन द प्रीवियस डायग्राम। अभी लाइगेज जो है सेम होता है इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, पर उस लाइगेज के ऊपर आने वाला जो एएमपी है वो सेम नहीं रहता है। लाइगेज के ऊपर आने वाला जो एएमपी है वो एएमपी आपके एटीपी से भी आ सकता है, वो एनएडी से भी आ सकता है। अगर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है तो एनएडी से आता है एएमपी, अगर ऑर्गेनिज्म एक यूकैरियोट है तो एटीपी से आता है वो आपका एएमपी मॉलिक्यूल। और जब वहां पे एएमपी आ जाएगा तब हमारा जो एंजाइम है डीएनए लाइगेज वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा लाइगेशन रिएक्शन, और फिर हमारा जो गैप है वो सील हो जाएगा, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द सील्ड डीएनए। इज दिस क्लियर टू ऑल? यहां तक ये बातें क्लियर होगी बच्चों, प्लीज कंफर्म इट वंस। इज दिस क्लियर टू ऑल? प्लीज कंफर्म इट वंस। ये बातें क्लियर हो गई है? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एंजाइम, दैट इज टोपो आइसोमरेज। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम है बच्चों हमारा टोपो आइसोमरेज। देखो बच्चों आज का लेक्चर प्लीज ध्यान से समझ लेना, ताकि जब आपका कल से जो प्रोसेस स्टार्ट होगी हमारी, तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता हो। ठीक है, आज को प्लीज ध्यान से समझ लेना। मे बी शूटिंग स्टार जो एंजाइम है, जो लाइगेज है हमारे अंदर, जो लाइगेज प्रोकैरियोट्स के अंदर, उनके एक्टिव साइट में वो चीज फिट नहीं आती होगी।
दैट इज अ मैकेनिज्म सीन, दैट इज अ मैकेनिज्म सीन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, कि वहां पे एएमपी का डोनर होता है एनएडी, हमारे इधर एएमपी का डोनर होता है एटीपी. दैट इज अ फैक्चुअल नॉलेज एक्चुअली, ठीक है, फैक्चुअल चीज याद रख सकते हो आप. अब अगर हम बात करते हैं बच्चों अबाउट द टोपोआइसोमरेज, इनका काम होता है टू रिमूव द पॉजिटिव सुपरकॉइल्स, या फिर आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ negative supercoils, ठीक है. तो दोनों भी काम बोल सकते हो, या तो नेगेटिव को ऐड करना, पॉजिटिव को रिमूव करना, दोनों से सेम चीज जो है वो देखी जाती है. ये कहाँ पे होता है? तो दिस टेक्स प्लेस इन फ्रंट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क. अगर हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क ऐसे काम कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डीएनए इस तरीके से बहुत ज्यादा आपस में ही कंडेंस हो जाता है, ठीक है. जब हमारा यहाँ पे हेलिकेज काम करेगा, व्हेन द हेलिकेज इज वर्किंग लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो भी डीएनए वो बहुत ज्यादा आपस में ही इस तरीके से वो कंडेंस हो जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सुपरकॉइल. दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सुपरकॉइल. अब क्या हो जाएगा, अगर हमारा हेलिकेज, ठीक है, अगर अभी हमारा हेलिकेज ने जबरदस्ती कोशिश भी की आगे रेप्लिकेशन परफॉर्म करने की, तो क्या हो जाएगा, हमारा डीएनए ब्रेक हो सकता है. इफ हेलिकेज ट्राइज टू जस्ट गो, तो क्या हो सकता है, अभी हमारा डीएनए ब्रेक हो सकता है. इसीलिए यहाँ पे काम करता है हमारा टोपोआइसोमरेज, यहाँ पे काम करता है टोपोआइसोमरेज, जो क्या करवाएगा, तो जो पॉजिटिव को वहां से हटाता है. यस, डीएनए गायरेज भी बोलते हैं टोपोआइसोमरेज 2 को, दैट इज राइट मानसी, ठीक है. तो टोपोआइसोमरेज काम करेगा हमारा, और वो इस पॉजिटिव को वहां से हटा देगा, और डीएनए को हमारा वो भी थोड़ा सा ओपन करवा देता है, जिससे हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से अभी हो सके. टोपोआइसोमरेज दो तरीके से होते हैं, क्या डिफरेंस है समझ लो. जो टोपोआइसोमरेज 1 रहता है, टोपोआइसोमरेज 1 का काम होता है टू ब्रेक एंड रीसील वन स्ट्रैंड. याद रखो 1 है तो 1 स्ट्रैंड को करेगा, इसी को हम सिंगल स्ट्रैंड भी बोलते हैं. तो टोपोआइसोमरेज 1 कैन ब्रेक और रीसील 1 स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड. अगर हम बात करें टोपोआइसोमरेज 2 की, तो क्या करता है, 2 मतलब 2 दैट इज बोथ, ठीक है, 2 मतलब दैट इज बोथ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोपोआइसोमरेज 2 क्या करवा रहा है, ये हमारे दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक और रीसील करेगा. इट एक्चुअली ब्रेक एंड रीसील बोथ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, ठीक है. जो टोपोआइसोमरेज 1 है इट विल नॉट यूज एटीपी, एंड टोपोआइसोमरेज 2 जो है इट विल यूज एटीपी. ये आपको दो ही बातें ध्यान में रखनी है, टोपोआइसोमरेज 1 हो 2 हो, बोथ आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, बोथ आर फाउंड इन यूकैरियोट्स, दैट इज नॉट बिग डील. बट ध्यान रखना है कि इनका फंक्शन क्या था. 1 क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक एंड रीसील, 2 क्या करेगा, डबल स्ट्रैंड ब्रेक एंड रीसील. 2 है एटीपी यूज करेगा, बिकॉज ज्यादा एनर्जी लग रही है उसको दो स्ट्रैंड को ब्रेक करने में. 1 को अब याद रख लो कि वो बिना एटीपी को यूज किए भी अपना ब्रेक और रीसील करा सकता है, ठीक है. यू कैन सी दिस डायग्राम. तो 1 क्या करवाएगा, सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक और रीसील करवाएगा, 2 क्या करवाएगा, डबल स्ट्रैंड को ब्रेक और रीसील करवाता है, ठीक है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन. देखो सिंपल सिंपल से एंजाइम्स है, आपके ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उतना आप लोगों को मैं करवा दूंगी, ठीक है. इज दिस क्लियर, ध्यान में रहेगी बातें. बाकी डिटेल्स और टोपोआइसोमरेज हम लोग रेप्लिकेशन पढ़ते वक्त भी समझ लेंगे, नो डाउट, बट सिंपल सिंपल सी जो बातें हैं, चलो बहुत बढ़िया. नेक्स्ट इज हेलिकेज. हेलिकेज है मतलब क्या है, हेलिकेज है मतलब क्या है, तो ये क्या करवाने वाला है, ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा. सो इट्स फंक्शन इज टू परफॉर्म द अनवाइंडिंग. ये क्या करवाता है, ये कन्वर्ट करता है हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. ये कन्वर्ट करता है हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है. और ये यूज करते हैं हमारे एटीपी को भी, दे विल ऑल्सो यूज एटीपी. अगर हम बात करते हैं इकोलाई की, तो वहां पे होता है डीएनए भी जो काम करता है एज अ हेलिकेज. और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यहाँ पे आता है बच्चों हमारा MCM 227. ये होता है हमारे अंदर का हेलिकेज, ठीक है, ये होता है हमारे अंदर का हेलिकेज. तो दोनों का काम क्या होता है, दोनों का काम इतना ही होता है कि वो हमारे स्ट्रैंड्स को
सेपरेट करते हैं ताकि हमारा पॉलीमरेज वहां पे आ सके और वो परफॉर्म कर सके बच्चों इलॉन्गेशन को। ठीक है, सो लाइक दिस इज द डायग्राम, ये है हमारा डीएनए हेलिकेज और वो यहाँ पे आएगा और वो स्ट्रैंड को इस तरीके से सेपरेट करवाएगा। इट विल कम एंड विल परफॉर्म द सेपरेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। इनका काम होता है कि हेलिक्स को ये सेपरेटेड फॉर्म में ही रखे। इनका काम होता है टू कीप द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म, उनको सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में रखने में वो हेल्प करता है। इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों हेलिक्स डिस्टेबिलाइजिंग प्रोटीन्स, बिकॉज वो क्या कर रहा है, हेलिक्स को वो डिस्टेबिलाइज कर रहा है। एमसीएम का मतलब होता है मिनी क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स। पूजा, एमसीएम का मतलब होता है मिनी क्रोमो, उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे रेप्लिकेशन में तो वहां पे देखेंगे हम लोग कि ये जो आपका एमसीएम रहता है ना, ये अटैच होता है आपके CDC45 को। CDC45, MCM227 एंड जिंस, इनको मिलके बनता है हमारा एक सीएमजी कॉम्प्लेक्स। और जो सीएमजी कॉम्प्लेक्स रहता है ये होता है एक्चुअल में हमारा एक एक्टिव हेलिकेस। दिस सीएमजी कॉम्प्लेक्स विल वर्क एज एक्टिव हेलिकेस, ये बात हम लोग परसों देखते हैं। ठीक है, सीएमजी का मतलब होता है मिनी क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स, ये आप लोग याद रख सकते हो। चलिए, तो एसएसबी क्या कर रहा है, एसएसबी हमारे डीएनए को सेपरेटेड फॉर्म में ही रखता है। ठीक है, ताकि जो हमारा टेम्पलेट है वो नॉर्मल रहे, टेम्पलेट जो रहे हमारा वो ओपन रहे। ठीक है, और ध्यान रखना है अगर एक एसएसबी आके बाइंड हो गया तो बाकी एसएसबी भी बहुत फास्ट जाके बाइंड हो जाएंगे। अगर हमारा एक एसएसबी बाइंड हो जाता है तो बाकी एसएसबी भी वहां पे रैपिडली जाके बाइंड हो जाते हैं। एंड दीज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीज, इनको यूज किया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रिपेयर में, रिकॉम्बिनेशन में, जितने भी पाथवेज जहां पे भी कोई डीएनए की जरूरत है, इन ऑल द पाथवेज जहां भी डीएनए की जरूरत पड़ती है वहां वहां पे एसएसबी हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देख सकते हो डायग्राम में, ये है हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। जो एक बार डीएनए ओपन हो गया तो उसको वैसे ही सिंगल स्ट्रैंड रखने में हेल्प करता है, वो होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में कौन होता है, तो वहां पे एक होता है हमारा आरपीए, वहां भी ये एसएसबी ही है, बस उसका नाम होता है आरपी, काम वही होता है, इसका सिर्फ नाम होता है बच्चों आरपीए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द एंजाइम प्राइमेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द एंजाइम प्राइमेज। हम लोग ऑलरेडी एक बात पढ़ चुके हैं कि अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, अगर हम बात करते हैं बच्चों यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज वन है, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज वन है, सॉरी अल्फा अल्फा, जो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा काम करता है यहाँ पे एज अ प्राइमेज एंजाइम। इन यूकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज अल्फा वर्क्स एज अ प्राइमेज एंजाइम। ये क्या करवाता है, तो ये बनाता है आरएनए डीएनए प्राइमर। देखो ध्यान से समझना एक चीज, अगर हम बात करते हैं रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, प्राइमर सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट का जो प्राइमर होता है इट इज ओनली आरएनए नेचर। प्रोकैरियोटिक प्राइमर इज ओनली आरएनए इन नेचर, पर जो हमारा प्राइमर होता है वो आरएनए डीएनए दोनों से बना होता है। यूकैरियोटिक प्राइमर में आपका आरएनए का स्ट्रेच रहता है, फिर डीएनए का स्ट्रेच रहता है, फिर हमारा पॉलीमरेज स्विचिंग होता है, फिर हमारा इलोंगेशन जो है वो देखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बच्चे अबाउट द प्राइमेज एंजाइम इन केस ऑफ योर प्रोकैरियोट्स, तो प्राइमेज का काम होता है एक छोटा सा प्राइमर का फॉर्मेशन करना। ठीक है, और ये जो प्राइमर जो की जरूरत पड़ती है इट इज रिक्वायर्ड इन बोथ द स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। अगर हम बात करते हैं लीडिंग स्ट्रैंड की, तो यहाँ पे सिर्फ वंस रिक्वायरमेंट होती है एंड यहाँ पे इट इज मल्टीपल टाइम्स रिक्वायर्ड, बिकॉज जितने ऊपर जाके फ्रैगमेंट्स उतनी बार में एक नया प्राइमर जो है वो बनेगा। ठीक है, जितने ओकाज़ा के फ्रैगमेंट्स उतनी बार हमको नया प्राइमर की रिक्वायरमेंट पड़ती है इन केस ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है,
प्रोकैरियोट्स में प्राइमेज का नाम होता है डीएनए जी. डीएनए जी इज द प्राइमेज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ योर प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन. तो जब आपका डीएनए जी आएगा, आके प्राइमर प्राइमर को बना देगा, फिर प्राइमेज हट जाएगा, पॉलीमरेज थ्री आएगा, वो करवाएगा इसको फर्दर इलॉन्गेशन. तो दिस इज द एंजाइम प्राइमेज यूज किया जाता है. तब देख सकते हो प्राइमेज जो रहता है लीडिंग में सिर्फ एक बार बनता है. लीडिंग में ओनली वंस द प्राइमेज इज रिक्वायर्ड. और लैगिंग में क्या होता है, तो लैगिंग में मल्टीपल टाइम्स प्राइमर की रिक्वायरमेंट जो है ये पड़ती है. ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर? ठीक है, प्राइमेज समझ में आया है. प्रोकैरियोट्स में आपका होता है डीएनए जी, यूकैरियोट्स में होता है पॉलीमरेज अल्फा. पॉलीमरेज अल्फा क्या करता है, डीएनए आरएनए दोनों को ऐड करता है. पॉलीमरेज हमारा जो ये डीएनए जी है वो सिर्फ आरएनए को ही ऐड करता है. ठीक है, परफेक्ट. चलिए, अभी जो आपको मैंने एक चीज बताई थी, देखो प्रोकैरियोट्स जो रहते हैं उनमें प्राइमर को रिमूव करना, गैप को फिल करना एक ही एंजाइम करता है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज वन. इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इस रेप्लिकेशन में तो प्राइमर को रिमूव करना है, गैप को फिल करना है, दोनों काम करता है हमारा पॉलीमरेज वन. ये बात हमने डिस्कस भी की. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड आल्सो कि डीएनए पॉलीमरेज वन जो रहता है ये खुद ही करता है प्राइमर को रिमूव एज वेल एज गैप को फिल. बट वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चों अबाउट द यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, तो उस केस में क्या होता है, प्राइमर रिमूवल के लिए लगते हैं दो एंजाइम्स और फिर गैप फिलिंग के लिए लगता है हमको तीसरा एंजाइम. क्या क्या एंजाइम्स होते हैं प्लीज इसको ध्यान से समझ लेना. ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे आता है एक एंजाइम दैट इज पेन वन. यहाँ पे आता है हमारा पेन वन. पेन वन के पास में होता है 5-2-3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो होता है एक्चुअल में प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी. दिस इज एक्चुअली प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी. ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है बच्चों इन द प्राइमर रिमूवल. अभी जो हमारा एंजाइम है पेन वन और जो एंजाइम है आरएनएज एच, दोनों मिलकर करवाने वाले हैं प्राइमर का रिमूवल. बोथ विल बी परफॉर्मिंग द प्राइमर रिमूवल इन द यूकैरियोट्स. लीडिंग स्ट्रैंड है तो एक बार काम आएगा, लैगिंग स्ट्रैंड है तो मल्टीपल टाइम्स इनका काम आएगा. उसके बाद में जब प्राइमर रिमूव हो जाएगा, व्हेन द प्राइमर इज रिमूव्ड, उसके बाद में यहाँ पे आएगा हमारा एक डीएनए पॉलीमरेज जो परफॉर्म करेगा गैप की फिलिंग को. प्रोकैरियोट्स में तीनों काम एक ही करता था. प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेज वन ही था जो ये सारे तीनों काम परफॉर्म करता था. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तीन एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं प्राइमर को रिमूव करके गैप को फिल करने के लिए. ठीक है, कैसे काम होता है देखो ध्यान से समझो. ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं एक बार. देखो, तो जो पॉलीमरेज अल्फा था, पॉलीमरेज अल्फा ने क्या किया, तो उसने वहां पे आपके प्राइमर को ऐड किया था. इट एडेड बोथ आरएनए प्राइमर एज वेल एज डीएनए प्राइमर. थोड़ा सा आरएनए प्राइमर है, थोड़ा सा डीएनए प्राइमर है, और फिर हमारा इलॉन्गेशन जो है ये होता है. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है आरएनए एच वन एंजाइम. आरएनए का मतलब क्या है, आरएनए को ब्रेक करवाएगा. एच का मतलब होता है हाइब्रिड. तो आरएनए एच क्या करवाता है, आरएनए एच जहां भी डीएनए आरएनए हाइब्रिड रहता है वहां से जब भी आरएनए को डिग्रेड करवाना है, ब्रेक करवाना है, तो वहां पे हमारा आरएनए एच काम आता है. ठीक है, तो यहाँ पे आता है आरएनए एच एंजाइम और आरएनए एच आके इस आरएनए के स्ट्रेच को डिग्रेड करवा देगा. उसके बाद में यहाँ पे आता है हमारा पेन वन एंजाइम दैट इज फ्लैप एंडोन्यूक्लियस वन. पेन वन आके हमारे इतने डीएनए को वहां से रिमूव करवा देता है. आफ्टर दिस कंप्लीट प्राइमर रिमूवल फिर आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज. डेल्टा भी हो सकता है, एप्सिलॉन भी हो सकता है, डिपेंड्स लीडिंग स्ट्रैंड की लैगिंग स्ट्रैंड है. उससे सबसे आएगा हमारा पॉलीमरेज एंजाइम और फिर उस गैप को फिल करवाया जाएगा. तो हमारे अंदर में तीन एंजाइम्स आते हैं. आरएनए एच रिमूव करेगा आरएनए के स्ट्रेच को, पेन वन
रिमूव कर डीएनए के स्ट्रेच को, फिर आएगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा या फिर एप्सिलॉन, डिपेंड्स लीडिंग स्ट्रैंड है कि लैगिंग स्ट्रैंड है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल था, पॉलीमरेज वन ही था जो प्राइमर को रिमूव करेगा, गैप को फिल करेगा, बट यहाँ पे हमारे तीन एंजाइम जो है वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे एक चीज बताओ आप लोग, ये है तो डीएनए का ही स्ट्रेच है ना, ये है तो डीएनए का ही स्ट्रेच, तो अगर हमने इसको नहीं हटाया तो क्या होगा? जरूरी इसको हटाना है तो डीएनए, देखो आरएनए को तो हटाना है बिकॉज वो स्ट्रैंड को अनस्टेबल बना देगा, बट जो डीएनए का प्राइमर है इतना वाला पोर्शन, इसको हटाना जरूरी है या फिर नहीं है बता दो एक बार, इंपॉर्टेंट येस और नो इतना बता दो बस, येस और नो, दिस डीएनए प्राइमर शुड बी रिमूव और नॉट, व्हाट यू थिंक? नहीं हटाया तो क्या हो जाएगा वो मैं बताऊंगी आपको, नहीं हटाया तो क्या होगा, हटाया तो क्या होगा, जस्ट टेल मी अकॉर्डिंग टू यू इसको हटाना जरूरी है या फिर नहीं है, येस और नो, टेल मी दिस। व्हाट यू थिंक स्टूडेंट्स, शुड दैट डीएनए प्राइमर बी रिमूव, यस और नो? शुड दैट बी रिमूव, यस और नो? अरे प्राइमरी तो हटाना पड़ेगा, बट उसका नेचर तो डीएनए का है, बट इट इज डीएनए, तो डीएनए तो सेल्फ मॉलिक्यूल है, चलो आरएनए बीच में आ गया तो उसको तो हटाना है डेफिनेटली, बट तो डीएनए नेचर का है, तो क्या हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? यस मानसी सेइंग यस, दक्षिण सेइंग यस, यस स्टूडेंट्स। शूटिंग तो वैसे भी इलॉन्गेशन तो होगा, शूटिंग से आपका नाम बता दो यार, ये नाम मुझे बोलने को बड़ा अजीब लगता है, स्टार बुला सकती मैं आपको, चलो स्टार, इलॉन्गेशन तो वैसे भी होगा क्योंकि जब आपका प्राइमर यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो इलॉन्गेशन आपका वहीं से स्टार्ट हो ही जाएगा ना, इलॉन्गेशन तो स्टार्ट हो जाएगा। देखो बच्चों ध्यान रखना, दिस प्राइमर शुड डेफिनेटली बी रिमूव्ड, व्हाई? मेरी बात ध्यान से समझो, प्राइमर को ऐड करता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा हमारे अंदर, प्राइमर इज एडेड बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा हमारे अंदर, पॉलीमरेज अल्फा लैक्स प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, उसके पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, तो इस प्राइमर में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इस डीएनए के प्राइमर में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए पॉलीमरेज अल्फा को वहां से तुरंत हटा दिया जाता है, और इस प्राइमर को हम हटा देंगे बिकॉज देर आर चांसेस दैट यहाँ पे कुछ गलत बेसिस ऐड हुए हो। ठीक है, इज दिस क्लियर? सो अगर हम बात करते हैं प्राइमर रिमूवल और गैप फिलिंग की, तो ध्यान में रखना है एक चीज आप लोगों को, और वो चीज ये है कि इन प्रोकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज वन परफॉर्म्स द एंटायर मैकेनिज्म्स, हमारे अंदर आता है आरएनएज एच जो आरएनए के स्ट्रेच को हटाएगा, फिर आएगा फेन वन जो डीएनए के स्ट्रेच को हटाएगा, फिर आएगा पॉलीमरेज जो उस गैप को फिल कर देगा, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्राइमर रिमूवल इन केस ऑफ योर यूकैरियोट्स। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये बात समझ में आई सभी को? प्लीज कंफर्म इट वंस, सिंपल सिंपल मैकेनिज्म से, बिल्कुल आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको एक बार में सारी बातें समझ में आ जाएगी। इज दिस क्लियर? दिस इज अ डायग्राम ऑफ ऑल द थिंग्स जो आप लोगों ने अब तक पढ़ा है मुझसे, दिस इज ऑल द डायग्राम्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, चलो ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, दिख रहा है आपको डायग्राम? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, इसको मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, देन यू आर डन फॉर द डे, दिस इज द लास्ट स्लाइड जो हमको पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। देखो हमने इसमें से सारी बातें डिस्कस की है, कुछ पार्ट जो रह गया आपको मैं अभी बता दूंगी, ले लिया स्क्रीनशॉट, डन। इनिशिएटर प्रोटीन रहता है हमारा, चलो ये तो हम पढ़ेंगे कल, इनिशिएटर में नहीं पढ़ा है, जो ने नहीं पढ़ा उसको रहने दो अभी, जो पढ़ा है उसको डिवाइड कर ले, उसको रिवाइज कर लेते हैं। शूटिंग स्टार अल्फा में नहीं होती है, अल्फा में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वो डीएनए पॉलीमरेज वन में हुआ करती थी। स्टार कहाँ है ध्यान? देखो आप मुझे बता रहे हो डीएनए पॉलीमरेज वन के बारे में, यू आर टेलिंग मी अबाउट डीएनए पॉलीमरेज वन की मैम इसके पास में होती थी प्राइमर रिमूवल, दिस इज फॉर प्रोकैरियोट्स, मैं आपको बता रही हूँ अबाउट दिस अल्फा, आई एम टेलिंग अबाउट दिस अल्फा प्राइमेज, इसके पास नहीं होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रोकैरियोटिक प्राइमे प्रोकैरियोटिक पॉलीमरेज वन के पास होती है बट इसके पास नहीं होती है। सर इज दिस क्लियर? प्लीज कंफर्म कर देना बच्चे एक बार। चलिए तो यस दिस इज द लास्ट पार्ट,
हमने जो पढ़ा हुआ है उसको ही पढ़ेंगे, बाकी जो नया है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हम लोग ने हेलिकेस पढ़ लिया है अभी, वी हैव डिस्कस्ड हेलिकेस पार्ट। हेलिकेस हमारे अंदर होता है, दैट इज एमसीएम 227, प्रोकैरियोट्स में होता है डीएनए बी। ठीक है, फिर मैंने बात किया प्राइमेज की, हमारे अंदर होता है प्राइमेज, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, विच लैक्स प्रूफरीडिंग एक्टिविटी, जो पहले आरएनए को ऐड करता है फिर डीएनए को ऐड करता है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है डीएनए जी, जो सिर्फ आरएनए प्राइमर को ही ऐड करता है। देन आई टोल्ड यू अबाउट द सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर एसएसबी ही बोला जाता है, हमारे अंदर बोला जाता है आरपीए। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं अबाउट द मेजर पॉलीमरेज एंजाइम, प्रोकैरियोट्स के पास में जो होता है उसको वो रहता है डीएनए पॉलीमरेज 3, इज द मेजर रेप्लिकेटिव और मेजर पॉलीमरेज एंजाइम, हमारे अंदर होता है पॉलीमरेज डेल्टा एज वेल एज एप्सिलॉन। ठीक है, एक बार मुझे जल्दी से बता दो, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा किसको बनाता है, लीडिंग स्ट्रैंड की लैगिंग स्ट्रैंड, जल्दी बता दो। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा किसको इलॉन्गेट करता है, लीडिंग स्ट्रैंड को कि लैगिंग स्ट्रैंड को, क्विक क्विक क्विक। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा किसको इलॉन्गेट करता है, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग। परफेक्ट, गुड जॉब पूजा। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो, लीडिंग इज डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, लैगिंग इज डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। परफेक्ट मानसी, गुड जॉब बच्चे। ठीक है, देन वी हैव डिस्कस, देखो टू पॉइंट्स मैंने ग्रीन में मार्क किया, बिकॉज ये सेम होता है, टू पॉइंट्स हमारे सेम होता है इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। प्राइमर रिमूवल, रिमेंबर प्राइमर रिमूवल गैप फिलिंग दोनों परफॉर्म करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। बट अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो वहां पे आता है आरएनएज एच रिमूव करता है आरएनए के स्ट्रेच को, पेनवर रिमूव करता है डीएनए के स्ट्रेच को। तो ध्यान रखना है प्राइमर रिमूवल कौन कर रहा है। डीएनए लाइगेज, इन बोथ द केसेस डीएनए लाइगेज ही यूज हो रहा है, बट एएमपी का सोर्स होता है एनएडी इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, हमारे अंदर एएमपी का सोर्स होता है एटीपी, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बट लाइगेज दोनों जगह पे ही काम करता है। स्टार्टिंग क्लैंप पढ़ने के तो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये सारी बातें मेरी तरफ से थी जो मुझे आप लोगों को आज कन्वे करनी थी। दीज आर ऑल द एंजाइम्स यूज इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अब कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट पाथवे, फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। आज हमारा लेक्चर आधा घंटा डिले हुआ है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एरर जो स्टार्टिंग में हुआ था। कल आई विल मेक श्योर कि ऐसा कोई दिक्कत ना आए हमारी एंड से, ताकि लेक्चर स्मूथली चले, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, हम लोग का किसी का टाइम वेस्ट ना हो। कल से आई विल मेक श्योर कि हम प्रॉपर तरीके से एक फ्लो में ही पढ़ेंगे। वेरी सॉरी फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, एंड जो बच्चे बने हुए थे थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आप रुके थे सारे के सारे, एंड यू ऑल अटेंडेड द होल सेशन, थैंक यू फॉर दैट, मोस्ट वेलकम बच्चे। ठीक है, एंड यस देयर स्टिल 50% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेस, तो अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है तो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो, हमारे साथ में आके पढ़ सकते हो, बहुत मजा आएगा आप सबको इन सारे कोर्सेज के अंदर। एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड। आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, एज आई टोल्ड यू आपको मैंने शेड्यूल बता दिया है। कल हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, परसों यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन, एंड सैटरडे को खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो डू अटेंड ऑल दीज सेशंस, मोस्ट वेलकम एवरीवन। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन, मजा आया आप लोगों को पढ़ के। कल भी सभी को जुड़ना है, एंड आई होप टुमारो आई विल सी मोर पीपल, आप सबके साथ में शेयर कर दो सेशन को, बिकॉज आई नो रेप्लिकेशन ऐसा टॉपिक जो आप सबने पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई बच्चा नहीं यहाँ पर इसने नहीं पढ़ा है टॉपिक, बट येस कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स, एक रिविजन हो जाएगा 1 घंटे के अंदर आपका सारा प्रोसेस का। सो दिस इज अ रिविजन सेशन फॉर यू ऑल, सो इट्स अ रिक्वेस्ट एवरी वन की अटेंड करना एक बार आके, मजा आएगा आप सबको। 1 घंटे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं ऑफकोर्स, तो इमेजेस मेरे पास में बने बनाए रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बहुत सारे वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू पूजा। हाँ दक्ष बोलो, क्या क्वेश्चन है पूछो, एक बार लाइक कर दो, जाते जाते मजा आया आप सबको तो। ठीक है, आई होप यू एंजॉय द सेशन, मजा आया आप सबको पढ़ के। कोई क्वेरीज है तो आप लोग रुक सकते हो, तो यू कैन लीव द सेशन। ठीक है, कल हम आगे के प्रोसेस पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है ना बच्चे। सी सेंस आई विल बी टेकिंग ओनली 1 वीक, अगर मैं नेक्स्ट वीक में इलॉन्गेट आपका लेक्चर लेती हूँ तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक भी आप लोगों का मैं ट्रांसलेशन करवा दूंगी। यू वॉन्ट टू लर्न ट्रांसलेशन एज वेल, आई कैन टॉक अबाउट दिस, बिकॉज इस वीक में मुझे आप लोगों का 1 हफ्ता लेना है सेट में सेशन, तो मैं आप लोगों के लिए रेप्लीकेशन, इफ आई गो बियॉन्ड एवरी टॉपिक ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा,
तो अगर पॉसिबल होता है तो नेक्स्ट वीक में ट्रांसलेशन करवाना, उपरांस करवाना, जो भी रेगुलेशंस होते हैं वो करवाना, वो मैं करवा सकती हूँ आपको, बिकॉज देर आर मेनी इवेंट्स इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बहुत सारे इवेंट्स होते हैं आपके, कैपिंग है, स्प्लाइसिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ट्रांसलेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट सिंस आई हैव दैट 1 वीक शेड्यूल, अगर इलॉन्गेट होता है नेक्स्ट वीक के लिए मैं, तो डेफिनेटली आपका ट्रांसलेशन भी यहीं पर करवा दिया जाएगा। ठीक है, वांट टू लर्न ऑल द प्रोसेस, आपको पढ़ना होगा तो आप मुझे बता दो सारे, तो मैं उससे सबसे बात करूंगी वैसे। ठीक है, चलिए, इफ इफ पॉसिबल फॉर माई शेड्यूल एज वेल, तो हम लगाते हैं आपके सेशंस वो वाले भी। ठीक है, चलिए, ओके मानसी, ठीक है, ओके ओके। शूटिंग स्टार ऐसा कुछ नहीं है एकदम इम्पोर्टेंट, बट हाँ ठीक, जो मैं करवा रही हूँ तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से हर सेट में आते हैं क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, पॉलीमरेज वन। और अब आप गलती करते हो, यहाँ पे भी गलती करता है बच्चा। ठीक है, करवा देंगे करवा देंगे। ठीक है, ओके ओके, लगेगा तो 2 हफ्ता ले लेंगे पढ़ने का, बट हम करते हैं सब कुछ। ठीक है, चलिए, तो कल बिल्कुल, कल शेयर कर देना सेशन को, कल और लोग, आई होप आई विल सी मोर पीपल इन द लाइव सेशन, सारे आ जाएंगे तो फिर और मजा आएगा पढ़ने में, बिकॉज जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप लोग की भी नॉलेज बढ़ता है कि भाई अच्छा ये भी सोचना था, ऐसा भी सोचना था, तो और मजा आएगा। ठीक है, चलो, ओके बच्चे, मोस्ट वेलकम एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो, हैव अ ग्रेट डे। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आपकी कोई क्वेरीज है तो सेशन खत्म होने के बाद में आप कॉमेंट्स पर लिख सकते हो योर रिव्यूज, योर जो भी आपके चीजें हैं, इफ यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स। ओके मानसी, दैट्स ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कल मिलते हैं हम सभी अगेन एट 6 PM, और आपके कुछ और रिव्यूज़ है, कुछ आपको चीज़ें ऐड करवानी सेशन के अंदर, तो आप मुझसे वैसे बता देना, दैट यू कैन डू एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है मानसी, कल मिलते हैं विद अ चॉकलेट पक्का। ठीक है, चलिए, सो सी ऑल टुमारो स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।